आज हमारे यहाँ छोले की सब्जी बन रही है जो 20 से 25 लोगों के लिए बन रही है। सबसे पहले हमने चूल्हे में आग जला ली है, आज ये पूरी सब्जी चूल्हे पर ही बनेगी। जब तक ये आग जल रही है तब तक चाची पतीले को बेसन और निरमे से कवर कर रही है जिससे कि पतीला ज़्यादा जले ना, और जले भी तो उसको धोते टाइम वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। ये हमने प्याज अदरक लहसुन मिर्ची सब कुछ छिल के रख लिया और काट कर रख लिया। ये हमने पतीले में सरसों का तेल डाला, आप जौन सा तेल खाते हो वो डाल सकते हैं। ये हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए, राई डाली है ये, और ये हमने जो प्याज काट के रखी थी उसको पीस के डाल दिया इसमें, और ये हमने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी इसमें थोड़ी देर बाद डाल दिया। बस इसको इस तरीके से चलाइए थोड़ी देर। कुछ बैंगन रखे हुए थे उसको भी हमने इसी में डाल दिया है मसाले के साथ ही, वो भुनते रहेंगे। ये बच्चा भी सो रहा, जल्द जल्दी खाना बने, मैं भी खाऊं। ये मसाले थोड़े थोड़े पक गए हैं, अब इसमें हमने छोटे छोटे टमाटर काट के डाल दिए, हमने इसमें टमाटर पीस के नहीं डाला है। इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और हल्दी भी इसी टाइम पे डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दो पैकेट सुहाना मसाला डालेंगे। इस मसाले को भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा तो वो ऑयल छोड़ने लगेगा, तो हम इसमें अब छोले ऐड कर देंगे। छोले को इस तरीके से चलाने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें अब आलू भी डाल देंगे। आलू को भी अच्छे तरीके से चला लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इसमें मसाला। अब सब्जी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। आपको जितनी सब्जी की क्वांटिटी करनी है, पतली करनी है या गाढ़ी ही रखनी है, आप सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। हमें थोड़ा सा मतलब इसको पतला करना था इसलिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़े से धनिया पत्ती डाल दिया है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।